तो गाइज ऑनलाइन टॉवल के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी जस्ट ये चेक करने के लिए क्या कोई टॉवल की वीडियो और यूट्यूब पे देखता है। तो उस वीडियो पे मुझे अभी तक यार 15,000 से ज़्यादा व्यूज़ मिल चुके हैं और वो वीडियो 300 से ज़्यादा घंटे तक चल चुकी है। तो मुझे लगता है यार एक वीडियो बनानी चाहिए ढंग की, क्योंकि उस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी था और वो एकदम फालतू सी वीडियो थी। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें क्लियरली बताऊँगा कि GSM क्या होता है। तो अभी आप जो मेरे हाथ में रेड टॉवल देख रहे हैं ये जो है 360 GSM की है, और जो ब्लू वाली टॉवल है ये जो है 480 GSM की है। तो GSM जो होता है ये टॉवल की मोटाई को दिखाता है। तो जितना कम GSM होगा वो टॉवल उतनी ही ज़्यादा पतली होती है, और जिस टॉवल का GSM जितना ज़्यादा होता है वो टॉवल उतनी ही ज़्यादा मोटी होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो रेड वाली टॉवल है ये काफ़ी ज़्यादा पतली है, और जो ब्लू वाली टॉवल है इसकी थिकनेस जो है मीडियम है। तो जो भी टॉवल जो होती है 400 से कम GSM की वो टॉवल काफ़ी ज़्यादा पतली रहती है, और जिस टॉवल का GSM 400 से 600 के बीच रहता है उसकी मोटाई मीडियम होती है, मीडियम थिकनेस वाली वो टॉवल होती है, और जो 600 से ज़्यादा GSM वाली टॉवल होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा मोटी होती हैं। तो यहाँ गाइज आपकी पर्सनल चॉइस पे डिपेंड करता है आप कैसी टॉवल लेना चाहते हैं। तो जो मुझे जो पर्सनली पसंद है ये जो है मुझे मीडियम थिकनेस वाली टॉवल पसंद है, क्योंकि ये आसानी से जल्दी सूख भी जाती हैं और आप इसे डेली यूज़ कर सकते हैं। और जो मोटी टॉवल होती हैं वो पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब करती हैं और काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट रहती है, कंफर्टेबल भी रहती है, लेकिन उसे सूखने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। और मैं क्वालिटी की बात करूँ तो क्वालिटी लगभग सेम ही रहती है जैसी आपको मार्केट में मिलती है, और इसमें कुछ भी ज़्यादा स्पेशल नहीं है। जैसी क्वालिटी आपको मार्केट में टॉवल में मिलेगी वैसी ही आपको फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाती है, तो और कुछ टॉवल बेकार भी होती हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना या चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। और जो टॉवल अवेलेबल है फ्लिपकार्ट पे अभी भी तो उसकी मैं लिंक डाल दूँगा।